कार्बी में मचा कोहराम, गजराज ने किया तांडव, लोगों में डर का माहौल, वन विभाग पर लापरवाही का लगा बड़ा आरोप। जानवर जब तक जंगल में रहते हैं तब तक वो वहां शांति से रहते हैं क्योंकि प्रकृति उनका पालन पोषण करती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे इंसानों की नजर जंगलों पर पड़ती जा रही है, ठीक वैसे ही उन जंगलों में जानवरों का खाना भी कम होता जा रहा है, जिसके चलते जानवर खाने की तलाश में इंसानी इलाकों में घुसकर उनको तबाह करने में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार विकास, आप देख रहे हैं जेबीटी न्यूज। जब से इंसानों ने जंगलों की तरफ रुख किया है, जंगल पूरी तरह से खत्म होने के कागार पर हैं, क्योंकि भू माफिया जंगल में बड़े स्तर पर लकड़ी कटान कर रहे हैं, जिसके चलते बड़े जानवर खाने की तलाश में गांवों की तरफ चले आते हैं और वहां पर जमकर उत्पात मचाते हैं। ये तस्वीरें असम के कार्बी अलोंग जिले के बोगजान खड्डाखटी इलाके की हैं। इन दोनों यहाँ हाथियों ने आतंक मचा रखा है। ये हाथियों का झुंड खाने की तलाश में लोगों के घरों में जमकर उत्पात मचा रहा है। हाथियों का ये झुंड जिधर देखो उधर तोड़फोड़ और पेड़ों को उजाड़ देता है। जंगल का ये गजराज कब गांव की तरफ रुख कर ले ये किसी को पता नहीं होता, लेकिन जब भी गांव की तरफ रुख करता है तो हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आता है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है। घटना ये हुआ था कि सर दो बार ऐसा हो चुका है कि एलिफेंट आता है तोड़ के चला जा रहा है, ना कोई किसी का कुछ, पुलिस स्टेशन से लोग आते हैं पेट्रोलिंग करते हैं यहाँ पे, ना कुछ करते हैं, ना ये एक बार पूछते आके क्या हुआ क्या नहीं। फॉरेस्टर भी एक बार आए थे, जब एलिफेंट चले गए थे तब आए थे, लेकिन अब जैसे कि लेट होता है, जैसे कि हर समय लोग हर टाइम पे पहुंचते नहीं, हमेशा लेट पहुंचते हैं। भू माफियाओं ने बागानों को काट कर वहाँ रिहायशी इलाके बसा दिए, जिसके चलते भूख के कारण बड़े जानवर इंसानी इलाकों में घुस आते हैं और उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत कई बार प्रशासन और वन विभाग दोनों से की, लेकिन तारीफ की बात वहाँ कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। काल ना परसों दिन हाथी आया हुआ है, कोई लाहौरी जन का जो शोषण है ना, शोषण घाट अभी भी आया वहाँ पे, इधर इधर में अभी भी होगा, अभी भी है। हम वो बड़ा बड़ा घास पुटा कर गिरा रहा, अरे हमें जो बात जा रहा है ना, ये बात जा में लोग वो जो नया पता निकलता बाज का वो खाने का आता है, जो मारता है बोम तो कहाँ जाएगा, दिशा नहीं मिलता है लोगों को, तो वाल सब टूटेगा कि हम लोग घर मतलब रास्ता भटक के आ जाते हैं। क्या करें लोग, खाने वन विभाग एक ऐसा विभाग है, इन लोगों के लिए तो एक विभाग बनाया गया हुआ। हाँ, तो वन विभाग के कोई अधिकारी नहीं आते? नो नथिंग, कुछ नहीं। नथिंग। अभी देखिए ये गौतम बस्ती में जो जो चाय बागान था, वो चाय बागान ने क्या हुआ, सब पूरे चाय बागान उठा उठा के जंगल जो भी था सब अलर्ट कर दिया, पूरा माटी को पूरा लेवल कर दिया। अभी उन लोग का खाने को नहीं है। अभी देखिए एक हाथी का खाना कितना चाहिए डेली का, तो कारण क्या है इसका? कारण माने आदमी तो जमीन सब ले लिया है, जंगल सफा कर दिया, कहाँ जाएगा अभी, ऊपर नहीं, अभी आदमी घर घर में जा रहा है। माफियाओं ने चाय के बागानों को खत्म कर जानवरों का निवाला छीन उनके घरों को उजाड़ दिया। आज वही जानवर रिहायशी इलाकों में घुस कर इंसानों का जीना दुश्वार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब चाय के बागानों का कटान बड़े स्तर पर चल रहा था तो उस समय वन विभाग क्या कर रहा था? अगर प्रशासन ने समय रहते भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज ये रिहायशी इलाके बर्बाद नहीं, पूरी तरह से आबाद होते। अब शिकायत वन मंत्री के पास है, ऐसे में देखना होगा कि असम सरकार के वन मंत्री इस मामले पर क्या एक्शन लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। असम से प्रमोद मलो, कैमरा पर्सन डीपी यादव के साथ दीजिए मुझे इजाजत। आगे फिर होगी एक नई खबर के साथ मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।